हाय फ्रेंड्स मेरे तो नागपाल देखिए आज आपके लिए एक और शूज़ लेकर आई हूँ बॉर्न बेबी का शूज़ बनाया है ये काफ़ी फरमाइशें आती है कि जो बॉर्न बेबीज़ होते हैं छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए शूज़ बताइएगा देखिए बहुत आसान सा शूज़ है और बहुत सुंदर दिखता है आप ये देखेंगे इस तरीके से है ये शूज़ ये यहाँ पे मैंने इस पर बटन लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने इस पर टिच बटन लगाया है ये देखेंगे आप इस तरीके से आप यहाँ पे जो है रबर से भी कर सकते हैं या वेलक्रो आता है वो भी लगा सकते हैं बच्चों के लिए ये मैं आपको इस पर निकाल के दिखाती हूँ इसमें से बहुत आसानी से बन जाता है ये शूज जो है ये देखिए ऐसे दिखता है नीचे से इस तरीके से है फ्रंट इसका ये है और ये देखिए ऐसे आपको इस तरीके से दिखेगा ये शूज तो चलिए फिर ये आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से हम इस शूज को जो है बना सकते हैं तो देखिए <coughs> अब ये मैं बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूं बॉर्न बेबी से लेकर तीन से चार महीने के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा तो इसलिए मैं जो है इसमें मेरे को चाहिए फोर्टी सेवन फंदे अब फोर्टी सेवन फंदों के लिए मैंने क्या किया है यहां पे चौबीस फंदे डाले हैं इसी तरीके से अगर आपने इससे थोड़े से बड़े बच्चे के लिए छह महीने से लेकर साल के बच्चे के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे कम से कम तीस फंदे डालिएगा तीस का जो डबल होगा वो जो है फिफ्टी नाइन के आसपास आएगा आपका तो इस तरीके से हमने करना है अब मैंने यहाँ पे इस समय चौबीस फंदे लिए हैं तो देखिए चौबीस फंदों को मैं फोर्टी सेवन फंदे किस तरीके से बनाऊंगी अब फंदे डालते ही सबसे पहला तो ये बनाऊंगी अब धागा अपनी तरफ करूंगी जैसे हम जाली डालते हैं उसी तरीके से फंदे बढ़ाने हैं और इसे मैं बनाऊंगी अगले फंदे को अगेन धागा अपनी तरफ करूंगी इसे बनाऊंगी फिर धागा अपनी तरफ करूंगी इसे बनाऊंगी ऐसे ही मैंने पूरी लाइन करनी है यानी कि पूरी लाइन में मैं जाली डाल रही हूं तो उससे हमारे जो है फंदे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास 47 फंदे आ जाएंगे 24 फंदों में 24 फंदे डाले हैं मैंने ये देखिए यहाँ एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी फंदे हमें चाहिए होते हैं एग्जैक्ट उसके डबल हम नहीं आते जैसे मैंने 24 फंदे डाले हैं तो एग्जैक्ट उसके डबल 48 फंदे नहीं आएंगे क्यों क्योंकि हम यहीं तक करते हैं और स्टार्टिंग में एक फंदा बुनने के बाद जाली डालते हैं तो जब भी आपको जितने फंदे चाहिए उससे एक फंदा आपने ज्यादा रखना है यानी कि मेरे को फोर्टी फंदे चाहिए तो मैंने ट्वेंटी थ्री नहीं रखे ट्वेंटी फोर रखे है अब देखिए पूरी लाइन इसी तरीके से करेंगे हम तो हमारे पास जो है फोर्टी सेवन फंदे आ जाएंगे ये देखिए नॉर्मल बेबी बूल ली है मैंने अब ये देखिए यहां पे मैं फंदे गिनूंगी तो फोर्टी सेवन फंदे समय होंगे अब हमने पलट के जो है आप ये देखेंगे ये आपको दिख रहा होगा ये जाली दिख रही है ये वही जाली है जो हमने की है अब इसके बाद जो है मैं छह लाइंस दोनों तरफ से सीधी सीधी की बनाऊंगी जो ये आपको दिख रही है तो अब यहां से मैं सीधा बनाना शुरू करूंगी ये देखिएगा पहला उतारने के बाद जो ये जाली दिख रही है इसे भी हमने ऐसे सीधे बनाना है अगर आप चाहते हैं कि जाली ना आए तो आप इसे बैक साइड से बनाइएगा ये देखिए पूरी लाइन इस तरीके से सीधी बनाई आपने पलट के अब हमने चार लाइन सीधी सीधी की बनानी है दोनों तरफ हमने सीधा सीधा बुनना है और हमारे पास बॉर्डर बन जाएगा ये देखिएगा इस तरीके से चार लाइन्स हमने ऐसे सीधे सीधे की बनानी है अब अब ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है एक ये करने के बाद चार लाइंस और बनाई है तो ये मेरा बॉर्डर बन गया अब छह लाइंस मैंने बनानी है कैसे एक लाइन सीधी एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी इस तरीके से छह लाइंस भी हमने नॉर्मल बनानी है कहीं मैं कोई चीज़ कहीं फंदा बढ़ाऊंगी नहीं इस तरीके से जो है एक लाइन पूरी सीधी करेंगे पहले ये देखिए एक लाइन सीधी होगी पलट के आपने एक लाइन उल्टी यानी कि छ लाइन्स हम यही करेंगे ये दो लाइन्स हमने तीन बार दोहरानी है तो छ लाइन्स हमारी हो जाएगी एक सीधी एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी लाइन पूरी पूरी यानी कि एक फंदा नहीं एक पूरी पूरी लाइन हमने एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करनी है सिक्स लाइंस हमने ऐसे करनी है अब ये देखिए इस तरीके से छह लाइंस मैंने कर ली है आप ये देखेंगे एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी इस तरीके से सिक्स लाइंस की है अब देखिएगा अब हमें यहाँ पे इसे शेप देनी है अब वो कैसे देनी है देखिएगा सत्रह फंदे पहले मैं बनाऊंगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये सत्रह अब यहाँ पे मैं ये दो फंदे इस तरीके से दो का एक करूँगी ये देख लीजिए ऐसे ऐसे किया आपने अब नौ फंदे सीधे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ पहले सत्रह फंदे बनाए दो का एक किया अब नौ फंदे सीधे बनाए फिर यहाँ पे दो का एक करेंगे इस तरीके से अब बाकी सत्रह फंदे मैं सीधे बनाऊंगी अब ये देखिए इस तरीके से सीधे लाइन में किया अब उल्टी लाइन में भी हमने घटाना है जो सेंटर के मैंने नौ फंदे रखे हैं। उससे पहले दो और नौ फंदों के बाद में दो उल्टे साइड में भी हमने दो का एक करना है तो देख लीजिए किस तरीके से अब पहले सत्रह बनाए थे अब सोलह फंदे बनाऊंगी दो तीन चार पाँच छ उल्टा बनाऊंगी सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ये देखिए सोलह फंदे बनाए अब आप देखेंगे यहां पे मैंने दो का एक किया है इस वाले फंदे पे तो ये फंदा और ये फंदा मैंने दो का एक करना है लेकिन किस तरीके से ताकि आपकी जो शेप है वो अच्छे से आ जाए उसके लिए हमने इसके बैक साइड से ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा यहां से इस तरीके से डालूंगी मैं ऐसे ये यहां से डाला आपने ऐसे और इसे दो का एक कर दिया उल्टे में तो ये यहां पे इस तरीके से आएगा फिर नौ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ अगेन ये वाला फंदा और ये वाला फंदा ऐसे दो का एक करेंगे उल्टे में ये देखिएगा फिर सोलह फंदे उल्टे ये देखिए इस तरीके से हमने ये घटाते हुए जाना है सीधी लाइन में भी और उल्टी लाइन में भी ऐसे ही जब तक कि मेरे पास इकतीस फंदे रह जाएंगे तब तक मैं इसी तरीके से करूंगी अब हमारे पंद्रह फंदे बनाने हैं दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह अब देखिए ये वाला फंदा और ये वाला फंदा इस तरीके से दो का एक करना है आपने फिर नौ फंदे सीधे एक ये देखिएगा ऐसे आएगा ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ फिर ये वाला फंदा और इसके सात वाला फंदा यहाँ से बैक साइड से दो का एक करना है अगेन पंद्रह फंदे सीधे इसी तरीके से उल्टे लाइन सीधी लाइन दोनों में हमने फंदे घटाते हुए ऐसे ही जाना है बीच के नौ फंदों से पहले और बीच के नौ फंदों के बाद तो जब तक ये हमारे पास थर्टी वन फंदे नहीं रह जाते तब तक हमने इसी तरीके से ये चीज दोहराती हुई जानी है अब तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बनाया है यहां तक दोनों पैर सेम बनेंगे ये मैं लेफ्ट पैर बना रही हूं उसका अब दोनों पैर सेम बनेंगे यहां तक जो मैंने ये चीज बताई है दोनों पैर सेम बनेंगे सिर्फ अब जो हम बंद करने जाएंगे उसका प्रोसीजर राइट एंड लेफ्ट के लिए अलग होगा बाकी सारी चीज सेम बनेगी अब देखिए क्या है ये लेफ्ट पैर है तो यहां पे मुझे यहां पे 11 फंदे चाहिए और बाकी ये 20 फंदे मैंने बंद करने हैं तो देखिएगा मैं क्या करूंगी पहले ये लाइन हम पूरी सीधी बनाएंगे ये मैं लेफ्ट साइड बता रही हूं आपको ये देख लीजिए बना लिया पलट के आपने यहां से 20 फंदे उल्टी लाइन में बंद करने हैं ऐसे करके

अब ये देखिए ग्यारह फंदे मेरे पास बच गए हैं इन्हें मैं इस तरीके से उल्टा बनाऊंगी ये देखिएगा पहले मैं आपको ये दिखा दूँ अब ये ये मेरा लेफ्ट साइड है तो यहां से बंद हुआ है स्टार्टिंग में हमारे पास यहां पे ग्यारह फंदे हैं अब मैं यहां पे जो है इसमें छब्बीस फंदे कम से कम डालूंगी अब ये देखिए इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और ये छब्बीस अब ये देखिए इस तरीके से छब्बीस फंदे डाले हैं पलट के ये सारे हम सीधा बनाएंगे अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखा दू थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड है ध्यान से देखिएगा तो बार बार बोल रही हूं आपको ये लेफ्ट साइड है तो यहां पे हमने फंदे पूरी लाइन बनाने के बाद यहां से बंद किए और यहां पे ग्यारह फंदे रहने दिए और यहां पे हमने फंदे बढ़ा दिए अब जब आप राइट साइड बनाओगे तो ये देखिए ये राइट साइड है इसका तो राइट साइड में हमने स्टार्टिंग से ही बंद करना शुरू कर दिया था सीधी लाइन में ये बीस फंदे बंद किए हैं और इसके बाद जो है ये ग्यारह फंदे हैं और ये मैंने फंदे छब्बीस यहाँ पे डाले हैं जिस तरीके से मैंने ये उल्टे साइड पे डाले ये मैंने सीधे साइड पे ये ग्यारह फंदे बनाने के बाद डाले हैं तो अब देखिए ये जो बनाया है मैंने अब हमें ये पट्टी बनानी है ये छह लाइंस की जो है पट्टी है और उसके बाद क्या करेंगे आप ये देखिएगा छह लाइन्स की पट्टी बनाने के बाद हम चार लाइन्स जो है एक दो तीन चार चार लाइन्स जो है एक सीधी एक उल्टी की करेंगे यानी कि पहले हम ये पट्टी बना देते हैं अब ये राइट साइड है ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूं आपको कि आप कंफ्यूज ना हो राइट साइड में स्टार्टिंग में ही यहाँ से बंद करेंगे 20 <laughs> फंदे फिर 11 फंदे बनाएंगे और फिर हम उसमें फंदे डालेंगे और जब हम लेफ्ट साइड के लिए बनाएंगे तो पहले हम पूरी लाइन सीधी बनाएंगे फिर उल्टी साइड में हम 20 फंदे बंद करेंगे 11 फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर हम ये फंदे डालेंगे अब ये पहले पूरी लाइन तो मैं इस तरीके से सीधी करूंगी ऐसे ऐसे बनाएंगे हम सीधी पूरी लाइन ये देखिएगा इस तरीके से बना ली सीधी लाइन अब पलट के हमने ये ग्यारह फंदे तो उल्टे बनाएंगे और बाकी सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे अब ये देखिए ये ग्यारह फंदे उल्टे बनाऊंगी दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह और बाकी फंदे हम सीधे बनाएंगे ये देखिएगा इस तरीके से अब हमने यही लाइन जो है कम से कम चार बार और दोहरानी है यानी कि ये पूरी लाइन सीधी जाएगी उल्टी साइड में ग्यारह फंदे उल्टे बनेंगे और बाकी फंदे सीधे बनाएंगे चार बार यही चीज दोहराऊंगी अभी मैं फोर लाइंस इसी तरीके से करूंगी चार लाइन्स अब ये देखिए बॉर्डर बन गया है आप ये देखेंगे अब जो है हमने जस्ट चार लाइंस एक सीधी एक पूरी उल्टी एक सीधी और एक पूरी उल्टी की करनी है जस्ट फोर लाइंस हमने फिर से करनी है लेकिन एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी इस तरीके से करनी है चार लाइंस की ये देखिए एक लाइन पूरी सीधी होगी पलट के अब आपने पूरी लाइन उल्टी करनी है ऐसे अब ये देखिए फिर से यही दो लाइन सिर्फ दो लाइन्स दोहरानी है उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे यानी कि एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी फिर से एक बार करनी है हमने अब ये देख लीजिए ये लाइन इस तरीके से कर ली है अब इसका लास्ट हम आ गए हैं अब देखिए हमने करना क्या है अब हमने दोनों तरफ से घटाना है दोनों तरफ से सीधी लाइन में भी उल्टी लाइन में हम यहां यहां पे गटाते हुए जाएंगे फिर से आपको बता दू देखिए ये लेफ्ट साइड है तो ये राइट right साइड है ये भी सेम हो रहा है आप ये देखेंगे सेम बन रहा है अब ये जो मैंने थोड़ी सी कटिंग दी है राउंड शेप जो बेसिकली इसका दिया है वो मैं आपको बताने जा रही हूं कि वो राउंड शेप जो है आप किस तरीके से इसका बनाएंगे तो देखिए ये अब हमने क्या करना है स्टार्टिंग में ही इन दो फंदों को आपने इस तरीके से दो का एक करना है और बाकी फंदे सीधे लास्ट के फिर दो फंदे हमें दो का एक करना है ये देख लीजिए लास्ट में आ गए ये दो फंदे हैं इन्हें हमने इस तरीके से दो का एक करना है अब पलट के आपने उल्टी लाइन में भी इसी तरीके से करना है ये दो का एक इस तरीके से उल्टे में फिर बाकी सारे फंदे लास्ट के दो तक उल्टे बनाने हैं ऐसे अब ये देखिए लास्ट में आए तो ये दो फंदे भी इस तरीके से दो का एक करूँगी पलट के फिर से करूंगी यानी कि मुझे आठ फंदे कम करने हैं मेरे पास सिर्फ यहाँ पे तीस फंदे होने चाहिए अगेन ऐसे दो का एक किया बाकी पूरे सीधे बनाएंगे और लास्ट में फिर से दो का एक करेंगे ये देख लीजिए आ गए फिर से दो का एक अगेन पलट के फिर से उल्टी लाइन में वही करेंगे ये दो का एक किया फिर सारे उल्टे और लास्ट में फिर से दो का एक तो हमारे पास चार लाइंस में आठ फंदे बंद हो जाएंगे तो हमारे पास तीस फंदे बचेंगे देख लीजिए लास्ट में फिर से दो का एक उल्टे में अब मेरे पास जो है आप ये देखेंगे इस तरीके से हुआ है अब मेरे पास यहाँ पे तीस फंदे बटे बचे हैं अब मुझे जो है इसमें ये व्हाइट लगा के बॉर्डर बनाना है तो पहले तो इसे मैं यहीं पे काट दूंगी अब मैं व्हाइट वाला वूल ले लेती हूँ बेबी वूल ली है मैंने ये बनाने के लिए अब देखिए क्या करना है ये पहले मैं पूरी लाइन सीधी बनाऊंगी ये लगा के इस तरीके से पूरी लाइन हमने सीधी बनानी है अब ये देखिए पूरी लाइन सीधी हो गई अब जो हमने ये यहां, से यहां तक पोर्शन है ये हमने आठ फंदे यहां से उठाने हैं तो देखिएगा ये रखेंगे ऐसे ध्यान से देखिएगा ऐसे एक दो तीन चार पांच छे सात और ये आठ तो ये देखिएगा आठ फंदे मैंने ऐसे उठा लिए आप ये देखेंगे पलट के इन्हें हम सीधा बनाएंगे ये देख लीजिए इस तरीके से आ गए अब जो ये पोर्शन है यहां से भी हमें यहां तक आठ फंदे उठाने हैं लेकिन धागा अपनी तरफ करके उल्टी साइड में ऐसे इस तरीके से एक दो तीन चार पांच छे सात और ये आठ तो देखिए ये आठ फंदे मैंने यहां से भी लिए वहां से भी और यहां से भी ये देखिएगा अब हमें इसका जस्ट बॉर्डर बनाना है और उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे अब आप ये देखेंगे ये मैंने दो लाइंस तो बना ली चार लाइंस और बनाऊंगी और उसके बाद बंद कर दूंगी दोनों तरफ इस तरीके से सीधा सीधा बनाऊंगी ऐसे ये देख लीजिए इस तरीके से बनाया पलट के ये लाइन भी आपने पूरी सीधी बनानी है तो हमने इसी तरीके से ये बॉर्डर बनाते हुए जाना है चार लाइंस का दो लाइंस हमारी ये दूसरी हो रही है दो लाइंस और इसी तरीके से करके उसकी अगली लाइन में मैं इसे बंद कर दूंगी सारे फंदों को एक एक करके बंद कर दूंगी अब ये देखिए लास्ट लाइन है इसके बाद मैं इसे बंद कर दूंगी ये देखिएगा ये बॉर्डर बन गया आप चाहे तो थोड़ा चौड़ा बॉर्डर अपने हिसाब से रख सकती हैं अब हमें इसे एक एक करके ऐसे बंद करना है इस तरीके से अब ये देखिए लास्ट में हमने इसे इस तरीके से बंद कर दिया तो आप ये देखेंगे ये लेफ्ट साइड है ध्यान से देखिएगा इसका कहाँ पे जा रहा है ये राइट साइड है ये देखिए ये लेफ्ट साइड जा रहा है और ये राइट साइड है यानी कि राइट साइड इस तरफ जाएगा और लेफ्ट साइड इस तरफ जाएगा अब आपने सिलना किस तरीके से है? वो मैं आपको थोड़ा बता दूं अब ये जो है ये इसके पैर का हिस्सा है आप इससे पहले आधा आधा इस तरीके से करेंगे तो हम ये नीचे का पोर्शन यहां से सिलना शुरू करेंगे टिल यहां तक इस तरीके से अब जो ये है ये यह हमने यहां से लेकर ऐसे सिलना है इस तरीके से ऐसे गोल करते हुए यहां तक सिलना है तो ये पोर्शन तो मैं सीधे में सिलती हूं इस तरीके से आप जैसे भी चाहे सिल लीजिएगा मैं तो जनरली ऐसे सिल रही हूं मैं इस तरीके से रखूंगी ऐसे ये देखिएगा इस तरीके से रखूंगी और इसे सिल दूंगी यहां तक ऐसे तो चलिए पहले आपको दिखा देती हूँ सिलना किस तरीके से इसे अब देखिए आप इस तरीके से रखेंगे ध्यान से देखिएगा कैसे रखना है इसे आपने फ्रंट साइड में इस तरीके से रखा हाफ एंड हाफ किया बेसिकली जूते को ऐसे अब ये जो पोर्शन है यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे तो पहले तो मैं इसकी स्टार्टिंग पॉइंट में आप ये देखिए इस तरीके से डालूंगी यहाँ पे अब ये देखिए ये डाला आपने फिर यहां से जो इसका ये देखिएगा ध्यान से ये जो कॉर्नर है यहां पे डालेंगे आप इस तरीके से तो हमें ये और ये पोर्शन ऐसे जोड़ना है इस तरीके से अब ये लेंगे हम पहले ये देखिएगा यहां से फिर इस साइड से यहां इसका लेंगे अगेन यहां से देखिए ऐसे फिर इस साइड से अब ये हम लास्ट तक ऐसे ही करते हुए इसे बंद कर देंगे ये देखिएगा आप इसे खींचेंगे तो ये बहुत बढ़िया तरीके से बंद होता है ये देखिए यहां पे आ गए जस्ट अब हमने यहां पे इसको सिलना है ये देखिए एंड पे आ गए हम तरीके से आप ये देखेंगे सिल गया और इसे आप यहां पे टक कर लीजिएगा यहां पे इसे हम बंद कर देंगे तो ये देखिएगा इस तरीके से ये बंद हो गया अब जस्ट आपने इसे उल्टा करना है सीधे में भी इस तरीके से सिल सकती हैं बट मैं जनरली दोनों तरी, तरीके से सिलती हूँ अब आपने इसको ऐसे उल्टा कर देना है और यहाँ से शुरू करना है सिलना टिल यहां तक या यहां से शुरू करेंगे सिलना यहाँ तक ऐसे आपने दोनों पोर्शन जो है सिलने हैं अब ये यह देखिए यहां से शुरू कर लेते हैं इस तरीके से ये देखिए ऐसे लिया आपने और इस तरीके से सिला आप ये देखिए आप इसे पलट लीजिए तो आपका ये बच्चे का जो शूज है जूता है इस तरीके से ये तैयार हो गया देखिए अब आपने यहां पे या तो आप इस तरीके से कोई बटन लगा लीजिए टिच बटन लगा लीजिए पॉम पॉम लगा लीजिए जो आपको अच्छा लगे आप इसे लगा लीजिएगा तो ये देखिएगा आप ये जो है आपका लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड भी आपने इसी तरीके से सिलना है आपने ऐसे ऐसे करना है और ये जो पूरा पोर्शन है इस तरीके से सिला जाएगा जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही सिलेंगे आप इसे और यहाँ से यहाँ से सिलेंगे तो आपका दोनों तरफ इस तरीके से बनेगा तो यहाँ पे आप बटन लगा लीजिएगा और अंदर टिच बटन भी लगा सकती हैं तो देखिए शूज़ जो है कितनी बढ़िया तरीके से आपका तैयार हो गया तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा Thank you.